तो नीलिमा मुझे डांटती थी यार तू तो क्या सबको बता देती शादीशुदा है तेरे बच्चा है तो मैंने कहा क्यों बट दैट इज द ट्रूथ अबाउट मी तो फिर तेरे को कोई लीड रोल नहीं देगा राजीव राय बिकॉज वो भी डून स्कूल के पढ़े हुए थे ही वॉज अ रेल सीनियर टू तो मी तो उनको मैं जानती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड स्ट्रगल के लिए उनसे मिलने गए तो राजीव मुझे कहता है यू वॉन्ट जॉइन द इंडस्ट्री यू वॉन्ट डू टू बेट रोल्स अभी मैं देखो मेरे को ही नेम्ड एन एक्ट्रेस जिसको मैं जानती थी मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी अभी मेरे को उसका फ़ोन आया तुम ऐसी करोगे क्या यू सिट होम रिलैक्स एंड योर हस्बैंड विल गेट लॉट्स ऑफ रोल्स कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत होते बट जब आप चाची का किरदार निभा रही थी सलमान के लिए आप अट्ठाईस की थी सताइस की थी कि उस वक्त अंदर से लग रहा था कि यार शायद हीरो मेरे ही उम्र का है या शायद मेरे से ऊपर है उम्र में वो फीलिंग आई थी आपको आ, मैंने कहा यार देख अगली बार मेरे को अच्छा रोल देना यार मेरे हिसाब से फिर आई मेट करण एट सम अवार्ड शो और समथिंग तो मैंने कहा हाय करण मैंने कहा क्या हुआ मैंने कहा निखिल केम टू मी नहीं नहीं मानी जी वो रोल आपके लायक नहीं था आपके लायक रोल होना चाहिए ना तब बुलाएंगे आपको तब मेरे दिमाग में घंटी भी कि ये बात लग गई आई थिंक इट वॉज दैट करीना क्या उस वक्त मैं प्रेम की दीवानी हूँ या फिर मुझे कुछ कहना है उसमें ब्राटी थी थोड़ी कि नहीं Yes. तो अभिषेक की और उसकी लड़ाई होती थी वो बोलती थी हिमानी जी इज माइन अभिषेक बोलता था हिमानी आंटी इज माइन एंड मैं तो, तो टोटली ग्लिसरीन लगा के और तो टोटली की तो टोटली इंटू इट एंड उसने अपना हाथ ऐसा कर अरे क्या बोल रहा हूँ अरे बुढ़ा मर गया इतना बदसूरत था काहे रो है <laughs> मेरी तरफ देख मेरी तरफ देख आप भी है। उन लोगों के साथ जिनके साथ शायद आपने बहुत काम किया है आई रिमेम्बर यू नो एन एक्टर टोल मी यार ये क्या है इनका दरबार होता है वहाँ पे जाके आपको हाजिरी देनी पड़ती है क्या एज के साथ साथ काम रिड्यूस हो गया क्या ऑफ कोर्स जब अलोक नाथ जी को लोग संस्कारी एक्टर बोलते थे जी गुस्सा आता था आपको वेन ही नॉट ड्रिंकिंग वो uh, उनकी पर्सनालिटी जेके एंड हाइड की तरह थी हेलो <laughs> मैंने अभी सिद्धार्थ कनन के साथ लंबी बातचीत की हालांकि मैं बड़ा हेजिटेट करती हूँ इंटरव्यूज़ देने में और ये सब आ, लेकिन सच में इतना मज़ा आया टू तो गो डाउन द मेमोरी लेन और मैंने इसलिए भी बात की एक तो बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं और सवाल इतने नहीं पूछे ही जेंटली प्रोड जी ऑन और मैंने उनके पॉडकास्ट देखे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो एक कुछ आप अपनी सच्चाई बोलने लगते हैं कई मैंने कलाकारों के बारे में उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तो ऐसी चीज़ें मैंने आ, सुनी हैं जो आ, मुझे पता नहीं थी तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप उनके पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए सिद्धार्थ कानंद पॉडकास्ट चैनल युमारी जी बिग फैन ये तो आप जानती हैं जहां पे भी जाती होंगी लोग कहते होंगे बिग फैन <laughs> तो वन द लिस्ट थैंक यू थैंक यू सदार मैं जेन्यूनली जानना चाहता हूँ आपकी हुँ. जर्नी देहरादून की लड़की जो मुंबई आई और 40 इयर्स आपने कंप्लीट किया इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में दैट्स व्हाट ट्रू चैंपियंस आर मेड ऑफ तो, तो बताइए आपके देहरादून के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा सिद्धार्थ मैं जैसे देहरादून उस टाइम उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था तो उत्तराखंड का भाग हो गया तो मेरे पिताजी पहाड़ी थे और वो दून स्कूल में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे और यू नो एक्चुअली तो वो गाँव से भाग कर आए थे बिकॉज यू नो गाँव में एक कीमत दर्दी थी यू you नो know, कि अगर बच्चा सात आठ साल मतलब सातवीं आठवीं क्लास से आगे पढ़ता है तो उसकी डेथ हो जाती है तो मेरे दादाजी ने बोला अब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो माई फादर ही वॉज़ वेरी एंटरप्राइजिंग आई सपोज वी ऑल इट फ्रॉम हिम तो वो भाग कर आ गए थे ही केम टू डेर देन ही वेंट टू कैलकटा उनका कोई रिलेटिव था सो इन कैलकटा ही बाइड द लॉर्ड ऑफ कल्चर यू नो कहीं रविंद्र संगीत हो रहा है तो उनकी रुचि कला की तरफ हो गई और वैसे तो देन ही केम टू ऋषिकेश ही वॉज एडुकेटिंग हिमसेल्फ़ और ट्यूशन ले रहे थे और ख़ुद भी पढ़ रहे थे और उन्होंने मतलब डून स्कूल में वो पढ़ाने लगे हिंदी और संस्कृत उसका भी एक मज़ेदार किस्सा है बदंदी इंटरव्यू विल बी अबाउट हिम अरे बिंदास बोलो दिल खोल के आपका शो है हम आपके हैं <laughs> तो आ, मेरे पिताजी को शुरू से ये था कि मतलब और, मैं बेटी थी तो उन्होंने मुझे डांस सिखाने भरतनाट्यम सिखाने के लिए भेजते थे और म्यूज़िक के लिए जाती थी मैं पेंटिंग्स के लिए तो मम्मी हालांकि कहती थी कि भाई लड़की है इसको मतलब खाना वाना बनाना भी आना चाहिए तो आई हैव आई हैव अंगर ब्रदर तो मेरे पिताजी कहते थे, थे क्यों तुम बेटे को तो नहीं बोलती कि वो इतना क्यों खेलता है ब्रदर वो उनको मेरे भाई को क्रिकेट और भागने का शौक़ था माउंटेनियरिंग का शौक़ था तो तो बेटी को क्यों कहते हैं दोनों बराबर है मतलब वो शुरू से ही अ लिटिल ब्रॉड माइंडेड और लिखते भी थे वो तो हमारे घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल था मतलब भगवती चरण वर्मा अमृतलाल नागर ये सब हमारे घर में आते थे साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी और आई स्टिल हैव अ बुक अमृतलाल नागर जी की उनका बूंद और समुद्र उन मैंने भरतनाट्यम का शो कर रही थी और तो उन्होंने मुझे ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड मुझे इक्यावन रुपये दिए थे <laughs> मतलब दैट वॉज अ बिग थिंग एट दैट टाइम यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट आई वोट टेल यू माई एज बट इट मस्ट बी फोर्टी फाइव से ऊपर की <laughs> जो आप बोलेंगे हाँ। <laughs> तो उस वक्त उन्होंने तो मुझे आ, वो दिया था इक्यावन रुपये और अपनी पुस्तक उसमें लिखा प्रिय हेमानी ढेरों आशीर्वाद और वो इट्स स्टिल वन ऑफ माय प्राइज पोजेशंस और तो इस तरह मैं डांस भी करती थी डिबेट भी करती थी और स्कूल के प्लेज में भाग लेती थी पर मैं ये बताया था तुम्हें सिद्धार्थ कि वो उत्तर प्रदेश था उस टाइम कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस लाइन में आ सकता था और पढ़ने में मैं होशियार थी तो वो हमारे टाइम पे आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं सबके पास लेकिन हमारे टाइम दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस में चला जाता था और जो थोड़ा सा पैदल होता था वो आर्ट या कॉमर्स में चला जाता था तो आई टुक साइंस हालांकि मेरे बड़े ड्रीम्स थे मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के लिए तो मैंने ऐसे बी किया एम किया, एस पर मैं थिएटर ज़रूर करती रही और ये जो मैं आई आई रिमेंबर मैं मैम एम एस सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही थी तो जो ये नाइन टू फाइव एक तो ड्राई क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंड और वो जो दो घंटे मैं अब मतलब एम एचोर थिएटर करती थी उसमें बहुत मज़ा आता था, था और uh, मुझे याद आया कि एन एस टी के कुछ लोग आए उन्होंने हमारा वर्कशॉप लिया तब मुझे पता चला कि एन एस टी भी ऐसी एक जगह है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो आपको थिएटर uh, में प्रशिक्षण देती थी क्योंकि उस टाइम थिएटर एन इतना वेल well नोन नहीं था अभी भी इतना नहीं है लेकिन अभी फिर भी कुछ लोग जानने लगे हैं तो आ, आ, और मुझे सिद्धार्थ स्कॉलरशिप मिल गई थी मैंने कहा था पढ़ने में होशियार थी आई स्कॉलरशिप टू डू एम एस अब्रॉड नो और मैं दिल्ली गई वीज़ा का इंटरव्यू देने और साथ में मैंने चुपके से एन का भी इंटरव्यू दे दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया तब मैं घर में बताया मैंने कि भैया मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ मैं तो दिल्ली जा रही हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो तो बम फूट गया और मतलब सब ने मेरा विरोध किया अभी तक मैं सबकी लाडली थी छोटे शहर में सब एक दूसरे को जानते थे माय फादर वाज डॉक्टर हरीदत्त भट्ट शैलेश तो भट्ट जी की लड़की जी की लड़की तो सब बोलते थे कि बड़ी होनहार है देखो डांस भी करती है डिबेट भी करती है पढ़ने में भी होशियार अब देखो अमेरिका जा रही है उस टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती थी <laughs> तो तो अब जब उनको पता लगा कि अरे ये तो वहाँ जाने की सोच रही है तो उन्होंने कहा भाई बटजी की लड़की का तो दिमाग ख़राब हो गया बटजी आप समझाओ अपनी बेटी को तो और मेरे सारे रिश्तेदार क्योंकि यूपी था उस वक्त सिद्धार्थ तो ऐसा लोग सोचते थे कि मतलब थिएटर करना तो मतलब नौटंकी करना है ना या भांडगिरी करना तो पर क्या भांड भांड बनेगी तो नौटंकी करेगी तो इट वाज काफ़ी मुश्किल था उनको समझाना तो पापा ने मुझे खैर समझाने की कोशिश की कि देखो बेटा तुम अमेरिका चली जाओ फिर शौक है तो आके कर लेना थिएटर कर लेना तो आई रिमेम्बर मैंने पापा से बोला था पापा चालीस साल की मैं हो जाऊंगी तो हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन मेरे मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए था कि मैंने एक सपना देखा और वो मैं पूरा नहीं कर पाई तो फॉर्चुनेटली मेरे पापा पिंगल गए वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड थे और बड़े ब्रॉड माइंडेड भी थे यार मैंने उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसीलिए बताया था तब उन्होंने मेरा साथ दिया और वो मुझे लेकर गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सो so, वहाँ पर हालांकि वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की Uh, कारण जी थे बीवी कारण थे तो उस टाइम डायरेक्टर तो उन्होंने बोला कि देखिए इसको तो स्कॉलरशिप मिली है आप इनको समझाइए कि अमेरिका चले जाए बाद में ज्वाइन कर सकते तो कारण जी बड़े सीधे साधे थे मिट्टी के आदमी वेरी सिंपल ही जी वज जीनियस तो बोलते हैं कि अरे करने दीजिए ना टैलेंटेड है मतलब ये उसकी लाइन है उसकी रुचि है करने दीजिए तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ छोड़कर और मतलब इस तरह से मेरा करियर का अबाउट टर्न हुआ तो मैंने थिएटर किया दस साल मैं उधर रही कि मेरा ऐसा नहीं था मतलब नीना एंड आलोकनाथ और ये सब सीनियर थे हमसे तीन साल तो ये लोग तो तुरंत ही बम्बई आ गए थे क्योंकि दे वर वेरी क्लियर और आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे थिएटर ही करना है तो मैंने कहा थिएटर कैसे करे वापस तो जा नहीं सकते क्योंकि यूपी में उस वक्त कोई थिएटर की कोई संभावना ही नहीं थी मतलब आप सर्वाइव नहीं कर पाते थिएटर करना और मैं बड़ी स्वावलंबी थी क्योंकि मैंने रिवोल्ट करके वो क्या था कि मेरे घर से एक पैसा नहीं लेना तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपट्री कंपनी थी uh, वो जॉइन की और एज एन अप्रेंटिस छः सौ हमें मिलते थे उस टाइम <laughs> तो हम वहाँ पर मैंने पीछे हम लोग खड़े रहते थे मनोहर सिंह सुरेखा जी के पीछे क्राउड में रोल करते थे पर बड़ा मज़ा आता था आई थर इंजॉय उस दौरान हम लोग इंग्लैंड भी गए फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया में तुगलक लेके चस्माउन लेके जर्मनी फ्रांस और फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से सी ग्रेड फिर बी ग्रेड ए ग्रेड देन आई बिकेम वन ऑफ़ द लीडिंग एक्टर्स वहाँ की और मैंने काफ़ी सारे नाटक किए मित्रों मरजानी जो कि बहुत उसको बहुत ख्याति मिली मेरे उस किरदार को आज़र का ख्वाब ऐसे कभी कई सारे नाटक के तो ये मेरी थिएटर की जर्नी थी तो आपका पहला फिल्म फारूक शेख जी के साथ था हाँ मतलब वो फारूक शेख जी के साथ ज़्यादा आलोकनाथ मेरे से सीनियर थे ना तीन साल उन्होंने प्रोड्यूस की थी एंड आई वाज स्टडिंग एट दैट टाइम एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमको अलाउड नहीं था तो मैं हम लोग रात को दीवार फाँद के जाते थे काम करने अलाउड नहीं था बाहर काम करना तो वो एक तो उसमें हमारे इसलिए भी वो गया कि हमारे प्रोफेसर थे उसमें सुधील इज़ नो मोर तो ही वॉज अ मेकअप टीचर तो वो थे दैट बाबा बने वे और मैं उनकी चेली थी और फारूक शेख वॉज द हेरोइन पंकज पराशर वॉज द डायरेक्टर एंड सतीश कौशिक वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर तो ऐसे मतलब वो मेरी पहली फिल्म थी दिल्ली में एक और फिल्म भी मैंने की थी विच वॉज वेरानी उसमें शाहरुख खान मनोज भाजपाई दोनों थे दोनों थे एंड सिद्धार्थ आई टेल यू वेन आई वज डूइंग डी डी एल जे तो मुझे शाहरुख मिला और शाहरुख ने बोला कि मैम आप जिस फिल्म की हीरोइन थी उसमें मैं क्राउड कर रहा था तो मैं कहा विच वन विच वन तो बोलते हैं वे रैनी गिट्स इट दो मुझे याद आया इट वॉज़ डरेक्टेड बाई प्रदीप कृष्ण इट वॉज़ द फर्स्ट इंग्लिश फिल्म विच वॉज मेड इन इंडिया और अरुंधती रॉय द बुक

प्लीज कभी नहीं पूछूंगी मैं वो तो शाहरुख ने बता दिया तो मैंने उस दुमारा फिल्म देखी उसको देखने के लिए तो कितने सेकंड लेते थे वो थोड़े टाइम के लेते कितने सेकंड बोलो ना आई थिंक शायद एक डेढ़ मिनट का बोलता <laughs> 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 पर आप कैरेक्टर रोल्स में बहुत जल्दी आ गई राइट right? हाँ. उस वक्त था आपके अंदर की मुझे लीड रोल्स करने <laughs> नहीं क्या खास सिद्धार्थ uh... Uh, मैं जब uh, इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की जैसे मैंने तुमको बोला था मेरी कोई इच्छा नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में आने की मैं थिएटर के पीछे ही पागल थी इनफैक्ट यू नो सदार जब पहला धारावाहिक बन रहा था हम लोग तो मुझे छुटकी का रोल ऑफर किया गया था ड्यू नो दैट बिकॉज मनोहर श्याम जोशी और कुमार वासुदेवी मेरे नाटक देखते थे तो उन्होंने मुझे तो हफ्ते में दो बार आता था वो तो मुझे जब बुलाया गया तो मैंने कहा हफ्ते के दो बार और उन दिनों एक एपिसोड बनता था पाँच या छः दिन तो आई सेट हाफ मतलब आप महीने में आठ एपिसोड बनाएंगे तो मैं थिएटर कब करूँगी अगर शूटिंग ही करती तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था तो आई वॉज टोटली इन टू थिएटर कि मुझे थिएटर नहीं छोड़ना था पर फिर सर्कम ऐसे बने मतलब सूरज बजात्या जी ने मेरी नाटक देखे थे जब मैं हम लोग रेपटरी में आई टोल्ड यू ना हम लोग टूर करते थे तो एक बार बॉम्बे भी आए थे तो uh, सूरज जी मेरा नाटक देखने आए थे आजर का ख्वाब विच इज़ एन उर्दू अडेप्टशन ऑफ पिग मिलियन जॉर्ज बर्नर शॉ का तो उसमें मेरा लीड रोल था हजो का वेर आई स्टार्ट फ्रॉम अ फ्लावर सेलर टू द बेगम मैं और नामदेव जी थे उसमें तो ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस तो अब मैं एक्चुअली बॉम्बे आई थी एक सीरियल करने के लिए हमरा उस टाइम दूरदर्शन ही था सेम राइटर मनोहर श्याम जोशी और उसमें मेरा किरदार था देव की भाजाई का तो यहाँ का जो डायरेक्टर थे कुंवर सिन्हा उस सीरियल के तो वो एक्ट्रेस एक, ढूंढ रहे थे तो उन्होंने पूछा होगा मनोज श्याम जोशी से आजकल जैसे होता है कि भाई कोई दिल्ली में है ही कुन फाइंड प्रॉपर एक्ट्रेस फॉर देवकी उन्होंने बोला है तो एक लड़की हिमानी शिवपुरी पर वो आधी पागल है उसने पहली बार तो मना कर दिया था पूछ के देख लीजिएगा तो वो आए मेरा नाटक देखने के लिए आई वॉज डूइंग थ्री फोर प्लेज सब में अलग रोल थे ही आई वेरी इम्प्रेस तो उन्होंने ऑफर किया मैंने कहा हाँ ओके तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरे हस्बैंड थे ज्ञान शिवरी उनको भी रोल मिल रहा था ही वॉज फुल्ली बिकॉज वो uh, ओम शिवपुरी के कज़न ब्रदर थे तो वो टोटली uh, फिल्म इंडस्ट्री से अवेयर थे और उन्होंने बाबुल भी कर चुकी थी राजश्री की तो उन्होंने ही बुलाया था एक्चुअली सूरज जाते हैं कि तो आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई क्योंकि वही हमको धक्के देके लाए मतलब जब हम हो रहा था चलो चलो घर किराए के मकान में रहते थे सब कुछ बेच दिया मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम जाओ तुम जाओ मैं यहाँ रहती हूँ आई वॉज देर आई ऑलरेडी हैड अ सन मतलब मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं इंडस्ट्री में एंटर किया तो आई वॉज़ मैरिड एंड आई हैड अ सन एंड इट इज़ नॉट टूडेज़ इंडस्ट्री इट इज़ द नाइन्टीज़ तो अगर आप शादी के बाद आए तो ऑब्वियसली आपको कोई मेन रिलीड तो देगा ही नहीं तो इन फैक्ट यू नो आई टेल यू मुझे नीलिमा जीम अच्छा माए देव की बहु गौड़ा लॉट ऑफ अटेंशन मतलब उस टाइम तो इतना वो इतनी ओ टी टी और ये सब प्लेटफॉर्म्स नहीं थे वो तो मैगजीन्स में छप गए स्क्रीन में आ गया आगी आगी आपका इंटरव्यू जो स्क्रीन पेपर छपता था और uh, और भी बहुत सारे टी वी कौन सी लॉट्स ऑफ मैगजीन्स पता है इट वज मेनली प्रिंट मीडिया तो सडनली आई वॉज देन एंड यू नो हाउ बॉम्बे इज की एक बार कोई अच्छा रोल करे तो टिकेट नोटिस्ड तो आई यूज टू जस्ट गिवर इंटरव्यू कि भाई आई एम माइम मेरा बेटा ये है माई सन इज़ एंड माई हजबेंड तो मुझे नीलिमा अजीम uh, शाहिद मद्दाउी कॉलमी e, एक तो पागल है क्योंकि हम दोनों ने एक शो में काम किया था मैंने और नीलिमा ने फिर वही तलाश अगैन एंड माई डेली डेज विच वॉज डायरेक्टेड बाई लेक टम तो uh, नीलिमा उस पर बड़ी स्टार बन गई थी तो शी केम टू मुंबई एंड देन ऑफ़ कोर्स शी गॉट मैरिड टू पंकज एंड देन लेटर ऑन वट एवर सो तो, so, um, तो नीलिमा मुझे डांटती थी यार तू तो क्या सबको बता देती है शादी शादीशुदा है तेरे बच्चा है तो मैंने कहा क्यों बट दैट इज़ द ट्रूथ अबाउट मी तो फिर तेरे को कोई लीड रोल नहीं देगा एंड यू नो सिदार्थ क्योंकि मैं थिएटर से आई थी और मैं तुमको बताती हूँ कि जो मैंने पह, पहला नाटक तो विद्या सुंदर किया था कारण जी के साथ जिसमें मैंने विद्या का रोल किया था दूसरा नाटक जो मैंने किया था वो किया था चेरी ऑर्चर्ड जो कि एम के रैना ने डायरेक्ट किया था उसमें आई प्लेड द रोल ऑफ ए सिक्सटी ईयर ओल्ड तो थिएटर के बैकग्राउंड वाले ना हमारे को एज या कुछ नहीं हमारे लिए रोल मैटर करता है सो so, और मेरे को ऐसी कोई खुशफहमी या गलत फहमी कुछ भी कह लो वो नहीं थी कि भैया आई वॉन्ट टू कम एंड कम्पीट विथ माधुरी दीक्षित मुझे पता था यार मैं आई के विल डू कैरेक्टर रोल्स क्योंकि वही असलियत तो जाननी इतना तो मतलब अकल वक्ल थोड़ी थी मतलब मेरे को ऐसी कोई गलत फहमी नहीं थी कि आई कुड हैव डन मतलब आई वॉज ऑफर्ड आई मीन आई वॉज ऑफर्ड ऑल्सो सम यू नो लाइक सम बी ग्रेड या भोजपुरी आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड फ्रेंकली uh, सिंग uh, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था तो ये जैसे अब uh, पहली फिल्म मैंने कमर्शियल की राजश्री की बिकॉज मैं उनको जानती थी uh, क्योंकि uh, मेरे हस्बैंड ने उनके साथ बाबुल की थी तो आई स्टिल रिम्बर मैं तो दिल्ली में थी तो जब वो रिलीज़ हो रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था एंड आई वेंट टू दाउस एंड यू नो तारा चंद बढ़ जाते जी वॉज़ अलाइ दैट टाइम तो उन्होंने मुझे uh, uh, नॉम लंच ही गेव मी अ ग्रे सिल्क साड़ी वो होता है ना शगुन के आई स्टिल हैव इट्स वन ऑफ माय प्राइज पोजेशन एक तो अमृत लाल नागर की बुक mm -hmm. और एक तारचंद जी ने जो मुझे साड़ी दी थी ग्रे सिल्क की ब्यूटिफुल बनारसी साड़ी सो यू नो आई आई न्यू द फैमिली एंड आई न्यू दैम तो वेन सूरज जी कॉल में वो जब हमारे कौन बना रहे थे उन्होंने स्क्रिप्ट लिख ली थी तो आई अ कॉल फ्रॉम राजश्री कि भाई आपके लिए एक रोल है तो मैं गई वहाँ राजश्री में तो राज बाबू उस वक्त अलाइव थे तो राज बाबू ने बोला हिमानू जी आपके लायक रोल तो नहीं है बिकॉज ही सीन मी डूइंग द लीड रोल्स इन थिएटर बट अब मेरी ये स्थिति थी सिद्धार्थ कि आई लेफ्ट डेली आई लेफ्ट माई जॉब एंड हमारे मेरा बेटा को मैं हॉस्टल में छोड़ कर आई थी अपने पेरेंट्स के पास और हम दोनों के पास काम नहीं था तो मुझे काम चाहिए था तो uh, मैंने पूरी स्टोरी सुनी तीन घंटे का नरेशन विथ सॉन्ग्स एंड मतलब मैंने कहा कि आई लव योर फिल्म इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड आई एम डूइंग इट पर मेरा मेन मोटिव था यार काम चाहिए था मुझे mm -hmm. क्योंकि अब वापस तो जा नहीं सकते क्योंकि दिल्ली वाले थिएटर के लोगों की बड़ी वो एटीट्यूड वो होता था उस टाइम अच्छा अब चले गए अब देखना ऐसे मुंह लेकर आएंगे तो उनको कैसे फेस करें हमको यहीं पर कुछ काम करना है किसी को जानते नहीं हैं और कि मैं सिर्फ एक तो सूरज जी को क्योंकि जानती थी और एक और डायरेक्टर को मैं जानती थी उनका नाम मैं बताती हूँ ही वॉज़ अरे आई एम वेरी बैड विद नेम्स आई थिंक आई एम गोइंग गोल्ड त्रिदेव जी उन्होंने बनाई थी राजीव राय राजीव राय बिकॉज वो भी डून स्कूल के पढ़े हुए थे वॉज अरे सीनियर टू मी तो उनको मैं जानती थी तो मैं और मेरे हसबेंड स्ट्रगल के लिए उनसे मिलने गए तो राजीव मुझे कहता है यू वॉन्ट टू जॉइन द इंडस्ट्री यू वॉन्ट डू टू बिट रोल्स अभी देखो मेरे को ही नेम्ड एन एक्ट्रेस जिसको मैं जानती थी मैं उनका नाम नहीं भूलूँगी अभी मेरे को उसका फ़ोन आया तुम ऐसे ही करोगे क्या यू सिट इट होम रिलैक्स एंड योर हजबेट लॉट ऑफ रोल्स कैरेक्टर आर्टिस्ट मेल्स बहुत होते तो मैं तो बड़ी डिप्रेस हुई यार अब क्या होगा <laughs> कहाँ जाएंगे वो तो शुक्र है राज की फिल्म मिल गई मैंने कर ली एंड एवर सो सिंपल दैट टाइम मैं तो आपको बताती हूँ सिद्धार्थ कि प्रोडक्शन मतलब कहानी स्टोरी आई से डली लव द फिल्म आई वॉन्ट टू डू इट वहाँ गई तो प्रोडक्शन वाले ने बोला दो प्रोडक्शन वाले थे तो उन्होंने बोला कि आपको हम इतना देंगे तो सिर यस देर लुकिंग है टीचर तो वो दूस जो प्रोडक्शन वाला था एक और वो बोलता अरे अरे ये तो अपने 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 हैं इनको बताओ ना सही आई डेंट नो दैट टाइम कि इंडस्ट्री ऐसे फंक्शन करती कि अगर आपको तीन रुपये चाहिए तो आपको पाँच रुपये बोलने पड़ेंगे तब आपको जाके तीन रुपये मिलेंगे और उस आदमी को मतलब सामने वाली पार्टी को अब हमारा तो कोई वो नहीं था ना सेक्रेटरी वगैरह वो तो बाद में आया पैरफ करने लिया सेक्रेटरी एजेंट्स आजकल जो भी हो गए है ना तो आ, आपको अगर पाँच रुपये चाहिए तो आपको दस रुपये बोलने लगें वो ऐसे आलू प्याज का भाव होता तो, तो मैं तो आ, जो भी उनका अमाउंट था इट नॉट बिग अमाउंट बट स्टिल थिएटर के हिसाब से तो काफी बड़ा था तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो अपने हैं भाभी जी से तो सही सही बताओ गोइंग पे मी दिस आई ओके, तो मैंने फट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दैट इज हाउ आई स्टार्टड और हम आपके कौन वेन डोंट टू बिकम अ बिग हिट तो आई थिंक आदि ने um, रशेज देखे होंगे तो मैं उस वक्त दूसरा सीरियल करने लगी थी हसरत जी टी वी हड कम तो आई वॉट अ कॉल फ्राम आदि आदित्य चोपड़ा इस मैम आई एम यस चोपड़ा सन आई आई एम मेकिंग अ फिल्म आई हैव अ रोल फॉर यू और मैं वही सीधी सादी पहाड़ी लड़की मैं हसरत की शूटिंग कर रही थी तो अब मैं सोच रही तो मुझे बड़ी हंसी आती है सदार तो मैंने बोला ओके आडी आई एम शूटिंग इन नूर बंगलो आप उधर आ जाओ एंड यू टेल मी द स्टोरी एंड एनी मे आदित्य चोपड़ा केम टू दैट इन बिटवीन शॉर्ट्स इनड दर्ड डी डी एल जे की स्क्रिप्ट एंड आई रियली लव इट इंटरवल तक आया आई से आई लव योर फिल्म आई एम डूइंग इट इस मैम 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 योर रोल कम्स आफ्टर द इंटरवल आई सेट द स्क्रिप्ट इज सो ब्यूटिफुल वो uh, क्योंकि वो जब इंडिया आते उससे इंटरवल से पहले इंग्लैंड में होता है इंडिया जब आते हैं तब हमारा पूरा पैरा फरनेले आता है तो

I uh, I started doing, uh, I mean films. And they say, rest is history. But <laughs> आप कितने साल की थी जब आपने uh, सलमान खान की चारखी का किरदार निभाया था आई थिंक uh, uh, late twenties or early thirties. और सलमान की कितनी उम्र थी <laughs> <Don't ask> me. <laughs> मतलब मेरा एक टीचर भानु भारती जी ही वाज़ सो अफेंडेड बिकॉज इन वन फिल्म आई वाज़ डूइंग आई मीन नो अफैन्स टू एनी एक्टर आई वॉन्ट टेक दी एक्टर्स नेम यारू ही विल गेट वेरी अफेंडेड सो आई वाज़ प्लेइंग इज मदर सो क्वाइट ए सीनियर एक्टर तो ही हिथोल मी हेमानी आई एम मैड यू आर प्लेइंग अ मदर टू अ पर्सन आई सेट सर इज़ अ बिग स्टार और आपने मुझे आपने भी मुझे वो रोल दिया था उसमें कात्या का हानुश में उसमें भी तो मेरी ओल्ड मेरी एज बड़ी थी तो जैसे मैं थिएटर में करती थी तो आई एम डूइंग सेम आई एम डूइंग द रोल्स और मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट आई कैन ओनली डू मदर्स रोल्स और भाभीज रोल और चाचीज रोल थैंड गॉड आई एम डूइंग सो मेनी रोल्स आर नॉट टाइप टू जस्ट अ मदर और अ बुआ और अ चाची आई एम डूइंग द होल पैराफे लेलिया ऑफ कैरेक्टर और रोल्स एंड मतलब मैंने कहा मतलब आई वॉज सो लकी दैट मतलब मैं कॉमिक जॉनर में भी एक्टिंग करती थी और सीरियस भी करी मैंने और नेगेटिव भी किया कॉमेडी तो करे ही हाँ सो टाइपकास्ट उस वक्त बहुत चलता था सिद्धार्थ '90s की बात कर रही हूँ तो टाइप कास्ट होने के बावजूद भी I to get some variation in my roles. पर जब आप चाची का किरदार निभा रही थी सलमान के लिए आप अट्ठाईस की थी सत्ताईस की थी कि उस वक्त अंदर से लग रहा था कि यार शायद हीरो मेरे ही उम्र का है या शायद मेरे से ऊपर है उम्र में वो फीलिंग आई थी आपको नहीं, 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 नहीं सिद्धार्थ ऐसा कभी नहीं आया बिकॉज यू नो मे बी माई दिस थिंग इन थिएटर कि वे आप जब सेट पे जाते तो आप वो कैरेक्टर हैं सो आई वॉज डूइंग हिज चाची या इफ़ आई आई प्लेड इज मदर ऑल्सो इन बंधन एंड बीवी नंबर वन तो मैं उसकी माँ हूँ और uh, ऐसा मतलब मैंने कभी मेरे में ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये क्या है इसकी उम्र क्या है क्योंकि आई सपोज बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन थिएटर आई नवर थाट इट दैट वे नेवर और मेरे में ऐसी कोई गलत फहमी भी नहीं थी कि क्योंकि फ्रेंकली से सिद्धार्थ उस वक्त हीरोइन के रोल्स क्या होते थे आई एम नॉट टॉकिंग आई मीन नूतन जी एंड बहीदा जी गॉट टू नो बट यू नो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड हीरोइंस इन दैट टाइम वो जस्ट डांसिंग अराउंड ट्रीज और गाती थी नाचती थी इफ दे व अन लकी देर रेप्ड बाई द विलन एंड इफ देवर लकी दे जस्ट रोमांस अराउंड और द फादर मतलब जो हीरो का बाप था ही नेवर यूज़ टू लाइक हर मदर यूज टू लाइक मतलब इस किस्म का मतलब ऐसा कुछ ऐसा स्कोप नहीं होता था बहुत रेयर ही था वो तो अब होता था या पहले होता था फिल्मों में अब तो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टू कहता हसरते में आपने कैटलिस्ट का किरदार निभाया था थी, जो लीडिंग एक्ट्रेस को एक्चुअली स्ट्रे होने में एक पॉइंट ऑफ व्यू देती है फ्रॉम अ मैरिज क्योंकि लीडिंग एक्ट्रेस आपको देखती है यू बीइंग द मदर स्ट्रेन आल्सो इन अ मैरिज वो कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए वो या इट वाज वेरी टफ सिद्धार्थ क्योंकि उस वक्त हालांकि इट वाज वेरी वेल हैंडल्ड और उस वक्त आई थिंक वो पहला एक नेगेटिव रोल uh, था जी जी हैड कम इन और इट बट इट वॉज उपन्यास बहुत ही अच्छा था अधांत्री है जयवंत तलवी का उपन्यास है मराठी का बहुत फेमस उस पर बेस था एंड अजय जी हैंडल्ड इट वेरी वेल और uh, मैं तुमको पता आई वॉज वेरी मतलब हेजिटेंट नॉट इन द कैरेक्टर बट यू नो एक सीन में जिसमें यू नो देर इज़ अ सीन इन विच ऑफकोर्स वी नॉट नेकेड इज इज नॉट हॉलीवुड ना बट एक हमारी शीट थी इट अपेयर दैट आई एंड दैट यंग तबल ची वी वर नेकेड इन द बेड सो आई वॉज वेरी इम्बेरेस्ड एंड मतलब हमारे हजबेंड वज स्टिल अ लाइफ तो मैंने उनसे पूछा यार ये पता नहीं ये कैसा है तो मैं उसने मुझे बोला भाई ड्यू ट्रस्ट द डायरेक्टर मैंने कहा यार ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय तो अगर वो ठीक से हैंडल करता है देन वॉट और इट वॉज इट वेंट ऑफ वेरी वेल तो एंड इट वॉज़ और वैसे भी एक नेचुरल सा केस हुआ था कि एक uh, एक औरत है जो कि एक अपने से बड़ी उम्र यशवंत दलवी प्लेड दैट कैरेक्टर कि वो uh, uh, अपने से बड़े उम्र के एक uh, गायक से उसकी शादी हो रखी वो अपने रियाज़ में लगा रहता है और देर इज़ दिस यंग तबला वादक तो शी गेट्स अट्रैक्टेड टू हिम एंड वो भी उसके प्रति अट्रैक्टेड होता है एंड देन दे रन अवे दिस एक्चुअली हैपन्ड

जी हाँ ये है मेरा अंगार टी शर्ट अंगार बैग अंगार मग्स और साथ में जो भी लाइने मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में मेरे चैट शो में वो सारी लाइने होंगी मेरी टी शर्ट जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए आपने शाहरुख के साथ कितना काम किया है डी डी एल जी कुछ कुछ होता है अंजाम केथरी जी आपका बॉन्ड उनके साथ कैसा कैसाफुल oh, मतलब जब से उसने मुझे बताया कि वो, आ, मतलब ही सच अ वंडरफुल पर्सन ना uh, uh, he... हरा जेंटलमैन मतलब वो कोई भी लेडी मतलब मेरी बात छोड़ कोई भी आएगा वो खड़े हो जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं एंड वेरी ग्रेसियस और शाहरुख का वोट आई लाइक अबाउट शाहरुख यू नो सिद्धार्थ अब तो खैर बहुत सारे एक्टर्स ऐसे करने लगे हैं उस वक्त जो हीरोज़ होते थे ना वो अपना सीन करके निकल जाते थे पर शाहरुख चूँकि थिएटर से था अब वो डी डी एल जे का मैं अपनी पहली फिल्म की बात करूँ बाद में तो परदेश में भी वो हमेशा अपने क्यूज़ देते हैं हॉलीवुड में तो बहुत प्रचलित थी ये बात बट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एटलीस्ट नाइन्टीज में नहीं होता था बहुत कम होता था और तो आ, अगर तुमको याद होगा सरदार डी डी एल जे का वो जो सीन है आ, मेरे दो तीन सीन बहुत हिट हुए एक तो अनुपम के साथ बाहरों फूल बरसाओ और एक शाहरुख के साथ वो साड़ी वाला आया हुआ है तो मैं साड़ी ट्राई करती हूँ और बट शाहरुख अलग खड़ा है और अगर आपने इतना ध्यान लोग नहीं देते पर शाहरुख के और मेरे और साड़ी वाले के शॉट्स अलग हैं ही इज़ नॉट इन द सेम फ्रेम बट यू नो शाहरुख बींग शाहरुख वो मेरे सारे टाइम पे जो हमारे टू शॉर्ट्स चल रहे थे मेरे और साड़ी वाले के वो वहाँ खड़ा रहा केला पील करके पूरे हमको रिएक्शन देता रहा आई फील दैट इज़ वाई दैट सीन इज सो ब्यूटिफुल एंड मैजिकल क्योंकि एक्टिंग आप कोई भी सीन में खुद से नहीं करते इट इज़ बेसिकली रिएक्टिंग तो वो जिस तरह से मुझे Hmm, ऐसा करता था तो उस हिसाब से मतलब मैं भी रिस्पॉन्ड करती थी दैट इज़ वाई आई फील कि वो इतना सुंदर सीन निकल के आया वो परदेश में भी आई स्टिल रिमेंबर कि वो जब मैं खेतों में इतना हल्ला करती हूँ तो शाहरुख बेचारा वहाँ खड़े होके पूरे मेरे साथ क्यूज़ रिहर्सल वग़ैरह करता रहा एंड इन एवरी एवरी सीन दैट आई हिम तो ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड आई वॉज वेरी टच यू नो मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला मैं तो बड़ी अल्लड़ से अभी भी वैसी हूँ कि एक बार शाहरुख ने मैंशन किया था आई डोट नो वेदर यू नो सधार फिल्म में उसने मैंशन uh, किया था टेन मोस्ट एक्टर्स एक्ट्रेसिज हुई एडमायर्स जिसमें मेरिल स्ट्रीप भी थी माधुरी दीक्षित थी श्रीदेवी थी एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी ऑर्स ट्रोली

He always, uh, when I tell him, Oh, I loved you in this film, I fell in love with you again, he says, When did you stop loving me? <laughs> 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 atlep, of course, what we are drama. ribbing, ribbing. charming you know, aspect hai. And you know, it's genuine. It's not only me since I've known, I've worked. Even when he meets strangers, you know, the way he responds to them, atlep, I think. वो इंजॉय करता है उसके बाद सो मैनी स्टार्स आई वोट नेम देम इन्होंने फोटो खिंचा ले खड़े हो जा बिग स्टार्स एंड इवन एक्ट्रेसेज यू नो द वे दे ट्रीट दैंस ऑफकोर्स फैंस भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करते लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि यू है बिकॉज ऑफ देम तो अगर वो आपको प्यार करते तो थोड़ा सा उनको भी समय दीजिए तो शाहरुख तो इन्जॉयज ऑल दिस

इट्स नॉट जस्ट जैसे कुछ लोग होते हैं हाँ हाँ यस यस हाँ येस येस वेरी गुड वेरी गुड आना आप बात भी करेंगे तो कहीं और दिख रहे क्या करें नॉट लाइक दैट यू यस सो राइट शाहरुख इज लाइक दैट धर्मा के साथ आपने केथरी जी के बाद काम नहीं किया जी कहीं वो तमन्ना है और क्यों नहीं हुआ <laughs> बिंदास बोलिए <laughs> नहीं मैं हमेशा से बिंदास रही हूँ हाँ. मैं तुमको बताती हूँ क्या हुआ आफ्टर केथरी जी कुछ कुछ होता है आई हैड ए लवली रोल एंड और अभी भी मैं काफ़ी आई पुट माई फुट एन द माउथ जिसको कहते हैं ना बट आई मीन इट मैं तो बड़ी बिंदास की लड़की हूँ तो मैंने करण मुझे ऐसा लगता है मे बी आई एम रॉन्ग तो करण जोहर से मैंने जब वो वो केतरी जी का लास्ट शेड्यूल चल रहा था हमारा वहाँ पर फिल्म सिटी में सेट लगा था तो लवली uh, कॉस्ट्यूम्स अपने मनीष ने दिए थे तो कारण uh, वो हमारा लास्ट शॉट था uh, केतरी जी का तो वो आया तो लवली मीटिंग यू लवली वर्किंग विद यू वंस अगेन हेमानी जी यू आर माई लकी मैस मतलब uh, कुछ कुछ होता ऐसे मैंने कहा यार देख अगली बार मेरे को अच्छा रोल देना है यार मेरे हिसाब से ओके मानी जी आई गेव यू दिस रूल बिकॉज यू आर मै लक मैस कॉट आई वॉन्टेड यू टू बी इन माई फिल्म ओके नेक्स्ट फिल्म जो फ्लोर पे जा रही थी इनकी वो थी कल होना हो निखिल डायरेक्ट कर रहा था उस फिल्म को तो एक हम लोग एक फिल्म का ट्रायल था धर्मा वहाँ पे था या कहाँ था आई डोंट रिमेम्बर वो जगह बट निखिल वॉज देर नीतू सिंह विटिंग इन नेक्स्ट टू मी एंड वी वर टॉकिंग तो निखिल अप टू मी, इस हिमानी जी आई वॉट अ लवली रोल फॉर यू तो आई सर ठीक है कि सैन्य गाय ऑफिस में भेजना मेरे को पहले साइनिंग अमाउंट दे तो यश यश जॉर्ज वॉज गोइंग गो दै तो मैं कह यश जी ये मेरे को साइनिंग अमाउंट दो जल्दी से आप प्रोड्यूसर हो तो उनके पास उन्होंने तो एक डॉलर निकाला मुझे दिया ये ये ले साइनिंग अमाउंट आ सो आई गॉट इट द राइट ओन माई सेक्रेटरी कि आप जाओ बिन रे मुझे निखिल मिला था तो अब वो गया अब उसको बोला नहीं 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 ये कोई रोल ही नहीं है ये ही नहीं है वो नहीं है तो कैसे ये क्या हो गया फिर एक दो फिल्म और निकल गई आई एम नॉट कॉल्ड सो एम कि क्या हो रहा है फिर आई मेट करण एट शो और समथिंग तो मैंने कहा हाय करण मैंने कहा क्या हुआ मैंने कहा निखिल केम टू मी नहीं नहीं हिमानी जी वो रोल आपके लायक नहीं था आपके लायक रोल होना चाहिए ना तब बुलाएंगे आपको तब मेरे दिमाग में घंटी भी कि ये बात लग गई आई थिंक इट वॉज दैट आई डोंट नो मतलब ये बात हुई और यही किस्सा खत्म हो गया <laughs> oh God, अफसोस होता है। yes, because, uh, बड़ा मजा आता था uh, करण वॉज uh, मतलब वो वो एवरीबडी नोज ना उसके साथ काम करने में और बड़ा मजा आता था हम लोग इतना गौसअप करते थे और वी वर वेरी गुड पैल्स बट क्या होता है कि मे बी वी डी मीट सो ऑफ्टन की कोई ब्रेक द आइस हो जाए एंड आई एम ऑल्सो नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन की आई गो आउट ऑफ माई वे हालांकि मुझे लोग बोलते हैं कि ये क्या है यू हैव टू गो एंड मेरे से नहीं होता भाई मेरे तो जो काम आ जाता है आई एम स्टिल लाइक फ्रॉम द नाइन्टीज खुद आ जाता है कोई काम आ जाता है देन आई डू इट आई डू इट विद माई फुलसेरिटी बट आई कॉन्ट गो एंड से भाई ये क्या हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा आई कॉन्ट डू दैट आपने करीना के साथ काम किया था मैं प्रेम की दीवानी हूँ आपने उनकी माता जी का रोल किया था आई डिड डिडर फिल्म विद इट वॉज तुषार वॉज आई थिंक इट्स मुझे कुछ कहना है सतीश hmm. कौशिक uh, ने जिसको डायरेक्ट किया था वेयर आई प्लेड दिस बोरिंग मदर मतलब दैट्स वाईस टू हेट डूइंग मदर्स रोल उसमें कुछ नहीं करती थी मतलब अमरीश पुरी और ये लोग सब चिल्लाते रहते थे uh, जो उसका मेरे हस्बैंड थे और आई यूज टू बी जस्ट Or, मतलब कि निठल्ला है तू वो है और चुपचाप से हीरोइन को सपोर्ट करना जो कुछ फिल्मों में माँ का रोल होता था हाँ फिल्म इतनी चली नहीं fact, कुछ से उसका मजाक भी बहुत था। मजाक उड़ाया, because, मजाक उड़ाया था yes, yes, yes. आप पर क्या उस वक्त आए मतलब हम सबको बड़ा मजा आया फिल्म में काम करने में एंड uh, दुख तो होता ही है क्योंकि uh, सिर्फ मेरा ही नहीं उसमें इट्स uh, क्योंकि एक फिल्म में सिर्फ एक्टर्स का ही नहीं योगदान होता है डायरेक्टर का होता है म्यूज़िक डायरेक्टर का होता है द क्राउड द कैमरामैन इतने सारे लोगों की मेहनत होती है और इतने टाइम लगता है सबका तो अगर फिल्म ना चले और उतनी आप शिद्दत से बनाते हैं ना चलने के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी पर बुरा तो लगता ही है व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द फिल्म देन यू फील बैड बट इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ कुछ फिल्में चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं करीना क्या उस वक्त मैं प्रेम की दीवानी हूँ या फिर uh, मुझे कुछ कहना है उसमें ब्राटी थी, थी थोड़ी कि नहीं यस yes. करीना वेरी ब्रैटी इन द सेंस कि करीना वो बिल्कुल कंट्रास्ट थी वो अपने करिश्मा के क्योंकि I, मैंने करिश्मा के साथ भी बहुत फिल्में करी है और मैं करीना को तब से जानती थी जब वो uh, करिश्मा के साथ सेट पर आती थी क्योंकि uh, ये देर वेरी क्लोज ना बोथ सिस्टर्स मदर तो बबीता जी करीना और करिश्मा हमेशा साथ रहती थी चाहे हीरो नंबर वन हो वेंट द होल टूअ द होल यूरोप शी वॉज द और करिश्मा के साथ जितनी भी फिल्में बीवी नंबर वन उसके सेट्स में आती थी और जब हम आई वॉज डूइंग आर ब्लॉट चलें विच वॉज डायरेक्टेड बाई चिंटू जी ऋषि uh, कपूर जी तो वो वहाँ पे अमेरिका में पढ़ रही थी वो भी और अपना रणबीर भी तो ये लोग आते थे रणबीर तो यूज़ टू असिस्ट इज फादर और करी करीना यूज टू कम दैट टाइम एंड वॉच द फिल्म तो तब से हमारी बॉन्डिंग मतलब द न्यू इच अदर सो वेल तो दिस फिल्म अपना मुझे कुछ कहना है और मैं प्रेम की दीवानी हुई तो वी वो सो क्लोज मतलब मतलब मैं बताती हूँ कि अभिषेक की और उसकी लड़ाई होती थी वो बोलती थी हिमानी जी इज़ माइन अभिषेक बोलता था हिमानी आंटी इज़ माइन वो बोलता था आई हैव डन मॉर फिल्म था बिकॉज सीरीज और फिल्म बेचारे की जो फ्लॉप हो गई थी तो और बट करीना यूज़ टू हिम आई नो बिफोर यू बिकॉज आई यूज टू गो विथ लोलो ऑन सेट्स तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हम लोग साथ जाते थे डिनर्स के लिए एंड स्पेशली न्यूजीलैंड का आउटडोर आई रिमेंबर बीता हैड टू कम बिकॉज आई थिंक दैट टाइम करश्मा वो कर वॉज गेटिंग एंगेज टू द बच्चंस इट डेंट हैपन बट शी हैड लेफ्ट तो मुझे बोल कर गई थी इसका ध्यान रखना बिकॉज शी वॉज वेरी बिंदास एंड ब्रैटी थी उसको बड़ा कंट्रोल आई आई बिहेविंग लाइक अ मम्मी यू नो वो बोलती चलो चलो हेमानी जी वहाँ जाते विल गो टू दैट पाप ऐसे नहीं

शिव वो तो नंबर वन थी उस वक्त तो और मैं दिल्ली से आई थी मेरी पहली फिल्म थी कमर्शियल तो आई रिम्बर मैं सेट पे गई एंड you know, सूरज जी मेरे पॉइंट कि सब एक्टर को सबको बराबर ट्रीट करते थे चाहे वो नंबर वन हो चाहे वो चची जान का कैरेक्टर हो तो मैं वो मुझे सेट पे लेकर आए माधुरी दीक्षित वहाँ पर थी और विथ होल पैराफर मेकअप मैन हेयर ड्रेसर बॉय हर पेरेंट्स तो सूरत जी लाए कि माधुरी जी दिस इज हेमानी शिपुरी शी इज़ अ व व वेरी वेल नोन एक्ट्रेस फ्रॉम हिंदी थिएटर तो माधुरी गॉटअप सो यू नो फोर मी दैट इज अग थिंक नंबर वन शी वॉज डूइंग शी एकदम से खड़ी हुई एंड शी लाव यू नो अ फेमस लाव अ मानी जी वेलकम टू मुंबई एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग दैट यू नो आई सेज़ वेलकमिंग मी एंड देन यू उस मोमेंट से वी बॉन्डेड लाइक एनी हमने काफ़ी सारी फिल्में करी चाहे वो राजा हो चाहे अंजाम हो और इसी में आ, मैं आपको बताती हूँ कि देखो वो नंबर वन थी हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे तो ऊटी की लाइट तो एवरीबडी नोज ना कि एक तो मैजिक कार तो हमको तीन साढ़े तीन बजे उठ एवरी वन राइट फर माधुरी दीक्षित तो, तो सलमान खान एंड एवरी वन तो हम लोग सुबह से मेकअप चार बजे मेकअप मैन आके तो हम लोग सब तैयार होकर जाके वहाँ चले जाते थे उधर जहाँ पे शूटिंग हो फ्रॉम होटल तो शूटिंग की जगह जो थी और इन बिटवीन वहाँ पे गाने थे और वो सीन्स थे तो उसमें ड्रेस चेंजेस होती थी तो एक कमरा था औसार तो एवरी वन यू नो मतलब माधुरी दीक्षित से लेके बिंदु जी रेणुका शाहने रीमा लागू एवरी ऑल ऑफ़ अस एंड प्लस हर एक के पास दो दो तीन तीन लोग मेकअप मैन है ड्रेसर कॉस्ट्यूम तो सब लोग एंड मतलब माधुरी ने कभी ऐसा नहीं किया ओ oh, मतलब आई वॉन्ट अ सेपरेट रूम आई कान चेंज विथ ट्वेंटी पीपल मतलब वी ऑल यूज टू चेंज टुगेदर मतलब वो बॉन्डिंग हो गई थी जो माधुरी वॉज ऑलवेज सो डाउन टू अर्थ आई रिम्बर राजा में भी जब हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे आफ्टर पैकअप वीज़ टू जस्ट हैव डिनर एंड एंड वीज़ टू हैव अ गुड टाइम एंड मॉरिशस में भी जब हम थे तो हम लोग शॉपिंग जाते थे एंड

तो so, uh, वो शायद कोई ऐड कर रही थी विद अजय या व्हाट आई डोंट नो वॉट शी वॉज डूइंग सो आई वॉज जस्ट वॉकिंग पास एंड आई सडनली एक मेरी पीठ पे ठप्पा आता है थेमानी जी एंड आई टर्न और मैंने देखा माधुरी दीक्षित तो कहती हाउ आर यू एंड वी एम्ब्रेस मतलब वो आके पीछे से नहीं तो यूजुअली हमको पता लगता है या जैसे होता है कि आपको एक स्टार इज दैट यू गो एंड मीट दैट स्टार जस्ट पीछे से थप्पा अजय देवगन इज ऑल्सो दफकॉर्स अजय के राजू के अजय आई डन ऑफ़ फिल्म अजय काजोल सो बोथ ऑफ दैम बट यू नो माधुरी का जो वॉर्म है ना दैट इज़ वेरी कंटेजियस एंड शी सो डाउन टू अर्थ मतलब वो मिडिल क्लास जो उसका है मराठी बैकग्राउंड आई थिंक दैट इज स्टिल देयर इन हर विच कीप्स अ वेरी ग्राउंडेड तब मुझे पता कि कितना मतलब शैतान है और जब दूसरी बार उसने मुझे उठाया हम आपके कौन भाई तो तब तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर कि जब वो रेणुका इज डिलीवरिंग एंड आई एम द डॉक्टर तो उसका बेटा होता थोड़ा ची डाल ऐसे ऐसे करके तो आई वॉज़ वेरी वेल प्रिपेर उसकी बदमाशी का मैं बताती हूँ बहुत सारी किस्से हैं I'm uh, <laughs> <it>. <laughs> <laughs> हम फिल्म कर रहे थे बीवी नंबर वन महबूब स्टूडियो में सेट था तो नौ बजे का कॉल टाइम था तो मैं करे करिश्मा इज़ ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल आई वॉज़ ऑल्सो हम लोग तैयार हो गए साढ़े नौ बजे तक एंड uh, सलमान भाई भी थे उस सीन में तो हम उसका वेट कर रहे डेविड भी वेट कर रहा है कि वो फ़ोन कर रहा है महबूब स्टूडियो में कि भाई कहाँ भाई जान कहाँ है भाई जान का निकल गए निकल गया अरे निकल गए डेविड कर अभी निकल गया तो मैं बूट स्टूडियो क्यों नहीं पहुंचा अब तो उसको बाद में ऑफ वो करने के बाद उसने मेरा और करिश्मा का और बच्चों का सीन करा तो पाँच बजे के करीब हमें वो सीन कर रहे थे वहाँ पर मैं करिश्मा और किड्स थे तो सडनली ही वॉक्सन और शॉट चल रहा है और आके मम्मी डाले और मेरे को पुच्छू कर रहा है किस कर रहा है कोई नहीं अब हीरो है तो डेविड ने भी कुछ नहीं कहा उसको हाँ हाँ ठीक है यार शॉट चल रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और इससे ओके शॉट चल रहा है चलो 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 करो करो मैं आता हूँ रेडी होके सो दिस इज वॉट ई यूज टू डू और एक और भी है उसके कई सीन बहुत सारे हैं अरे बोलो बोलो, बोलो। एक हमने फिल्म करी थी वीर गति जो चली नहीं थी ये तो हम आपके कौन और बीवी नंबर वन बंधन का भी एक किस्सा सुनाओगे बंधन बंधन चली थी बंधन का बताती हूँ बंधन में बस आई प्लेड इज मदर गैन और uh, अंजन श्रीवास्तव प्लेड द फादर तो उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे uh, नदी के पास आई थिंक शूटिंग समवेयर इन बेंगलोर या कहाँ ऐसा कुछ चिता जल रही है उनकी और मैं रो रही हूँ गाँव की औरतें खड़ी है सो यू नो एंड मैं तो टोटली totally ग्लिसरीन लगा के टोटली totally की टोटली इट एंड उसने अपना हाथ ऐसा कर अरे क्या बोल रहा अरे बुढा मर गया इतना बदसूरत ताका रो रही है <laughs> मेरी तरफ देख मेरी तरफ देख बट आई सो यूज सलमान इग्नोरिंग वो साउथ इंडियन डायरेक्टर इमोशन 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 उसको कैसे बताए कि इमोशन कैसे लाने कितने मुश्किल <laughs> एक और मैं किस्सा सुनाती हूँ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट वीर गति वो चली नहीं थी फिल्म तो उसमें ऐसी थी कि हाँ मतलब आई एम द प्रोस्टिट्यूट्स का वैसा था और वो एक बच्चा होता है प्रोस्टिट्यूट्स का जिसको मैं पालती हूँ तो वो कभी मुझे माँ नहीं कहता है ही लव्स मी बट श्लोक की माँ कहता है अतुलग्निहोत्री तो की माँ तो उसमें वो ऐसा कुछ होता है इट वॉज़ अ वेरी Uh, वैसे पहले की फिल्म जैसी थी मेरा मदर इंडिया टाइप ऑफ रोल था तो लास्ट में क्या होता था कि uh, विलन का जो अड्डा है तो मैं उसको बोलती हूँ कि जला दे इसको मशाल लेके जाती हूँ उसके पास और यू नो दैट इस तरह के डायलॉग होता है कि आज इसको ख़त्म कर दे बेटा वो जैसे होता है ना कि अब मशाल लेके और वो उधर वो मेरा क्लोज चल रहा है ये ऐसे ऐसे कभी और प, 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 आई रिस्ट मतलब कैप्टन से कहा कि कुछ गलती होगी तो डायरेक्टर का मुझे ही डांटेगा इसको तो कोई कुछ नहीं कहेगाज ही बदमाश बट वेरी स्वीट हार्ट वी है उनके साथ बिग बॉस तो वो हम हमको आई वॉज एंड विद अनादर एक्ट्रेस वी वर कंपेयरिंग द जो अवार्ड शो था कलर्स का तो उसमें वी हैड टू गो एंड शूट अ सेगमेंट इन बिग बॉस अब उसकी सिक्योरिट्री तो फैल गई कि भाई बिकॉज ऑफिशली ना यू यू कान टेक अ स्टाफ ग्रांटेड जस्ट बिकॉज आपका शो कर रहा है तो शी वॉज ट्राइंग टू सड़ नहीं मतलब अभी नहीं अभी नहीं अभी, अभी भाईजान को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हम लोग बैठे हुए हम लोग आए हुए सुबह से आठ बजे से मैंने कहा यार क्या कर रहे हो और उधर शूटिंग थी उसके बिग बॉस की कौन सी जगह आई थिंक लोना वाला या पता नहीं कहाँ पर सो so, यार ऐसे ये क्या हो रहा है हाँ हाँ मतलब कह रहे यार वो उसकी सेक्रेटरी नहीं करने दे रही है तो मैंने कहा करना है कि नहीं करना है? मैं करता हाँ सुधर है विंट द सेट और ये दोनों थे उस टाइम उसने उसको भी बुला रखा था संजय दत्त को संजय दत्त ऑल्सो है लवली रिलेशनशिप विद हम तो ये दोनों आए माँ मदा मदा मेरे को करे कर मैंने कहा भे यार सलमान से बोले मैंने कहा नाटक मत कर यार कर ले छोटी छोटी सी शूटिंग है।, है क्या है क्या है ओके ओके तो उसकी सेक्रेटरी आई नो बट रुक ना उसको बोला जस्ट वेट जस्ट वेट वाट वाट, वाट। मैंने कहा ये दो तो चार लाइन मैं ये बोलूँगी तू ये बोला फिर ये बोलेंगे ये बोलेंगे ये बोलेंगे जल्दी से मैंने कहा यह कर दे ला स्क्रिप्ट ला क्विकली वी शॉर्ट एट एंड वी लेफ्ट आ दो वाइस वो होता ही नहीं क्योंकि आई थिंक दे मस्ट भी लुकिंग फॉर सम मनी ना कि आप ये कर रहे हो तो गॉड नोज वॉट वो दॉट द थिंग वॉज आई हैव नो आइडिया बट शी वॉज टॉलिंग इट बट हमको लगा यार कितनी देर तक हम बैठे रहेंगे छः सात घंटे से ज़्यादा चीनो you know, ऐसा थोड़ा बहुत बात भी सुन लेते हैं ये लोग डेलूलू सोलू लू बच्चे की जान लोगे क्या हाई ऑन चाय चाय प्रेमी विचित्र प्राणी बुलाती है मगर जाने का नहीं गेस अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट ट्रेंडी कूल न्यू डिजाइन स्लोगन्स दैट यू एंड आई सी इन सेना डेली लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at the rate Sid underscore Kannan and I would love to repost them. Angar Peno or Angar Machau. In fact, Farida Jalal Ji ne kahi Kaha tha ki... जब वो फोन करती है तो शाहरुख खान के मैनेजर का रिस्पॉन्स आता है शाहरुख खान के मैनेजर आ, फोन को रखते हैं और आंसर करते हैं एंड हाँ। उन्होंने ये था कहा कि करण जौहर ने उनको वर्क ऑफर नहीं किया एनी मोर हाँ। तो वो डिसल्यूशन साउंड कर रही थी क्या आप भी डिसल्यूश है उन लोगों के साथ जिनके साथ शायद आपने बहुत काम किया है फैमिली जैसा रिश्ता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत क्लोज है देखो uh, सिद्धार्थ बुरा तो लगता है आई मीन आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम आई एम ऑलवेज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन यार इफ दे नॉट टेकिंग आई फील इट वेरी बैड बिकॉज आई एम बीन पार्ट ऑफ धर्मा प्रोडक्शन आई बीन पार्ट ऑफ यशराज बट इफ दे नॉट टेकिंग मी फाइन यार आर आई वर्क विद समबड़ी एल्स इफ दे दे डोंट नीड मी फाइन देर आर दर पीपल मतलब क्या कहते हैं वो क्या कहावत है कि मतलब चिड़िया एक नहीं बहुत सारी चिड़ियाँ है।, <laughs> है ना ऑफकोर्स आई मिस दम आई आई बट पार्टली द फॉल्ट इज माई बिकॉज आई एम नॉट वेरी आउट गोइंग और आई डोंट गो आउट ऑफ माई वे आई रिमेम्बर यू नो एन एक्टर टोलमी यार ये क्या है इनका दरबार होता है वहाँ पे जाके आपको हाजिरी देनी पड़ती है आई एम नॉट दैट दरबार वाली क्या होता है मतलब क्या होता है दरबार का दरबार में क्या होता है यार जी ओजूरी होती है और क्या होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ बैठे रहते हैं या जो लोग काम देते हैं यहाँ बैठे रहते हैं बाकी सब इर्द गिर्द अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं स्टार्स होते हैं ये लोग होते हैं जिनका तुम नाम ले रहे हो उनके अपने सर्कल होता है एंड यू हैव टू भी दाजरी सरकार हम भी हैं है ना और वो हमने गुलाम की तर, गुलामी कभी करी नहीं यार अपने बात की बात नहीं सुनी मैंने <laughs> अपने किसी की भी मतलब खुददारी है यार पहाड़ी लोगों में बहुत खुददारी होते हैं हम लोग सीधे भी होते हैं यार जो दिल में होता है वही जबान पे होता है अब हमारा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था हो सकता है वी हर्ट दम मे बी इट्स आर फॉल्ट एंड इफ अस फाइन यार आर नॉट दिनली कैम फिश इन द सी के वो है ना कहावत सी दे आर वेरी गुड एंड वेरी टैलेंटेड ठीक है यार खुश रहो आप भी खुश रहो हम भी खुश रहते हैं क्या seniority को उतना सैड पार्ट uh, है यार मैं uh, तुमको बताती हूँ सिद्धार्थ की हम लोग एक आई uh, जब हमारे रिलेशन थोड़े ठीक थे तो इंडो पार्क सीरीज भी काफ़ी करी है हमने हम लोग दुबई में जाके शूट करते थे तो वहाँ क्या होता था कि जो सीनियर एक्ट्रेसेस होती थी ना उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी वो आती थी बारह बजे क्या बारह बजे से पहले हम नहीं दे हैव टू रेस्ट उनका ब्यूटी वो जो भी होता है और हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें उल्टा होता है आप जितने सीनियर होते हैं कल का कोई नया लड़का आता है या लड़की आती है उनको ज़्यादा एवरीबडी इज़ गोइंग आफ्टर दैम भैया पैसे का खेल है यहाँ पे सब पैसे का खेल है यार ये तो एवरीबडी नोज ना बॉम्बे इज टोटली कमर्शियल प्लेस है यार जो बिकता है उसी के आगे सब झुकते हैं है ना क्या एज के साथ साथ काम रिड्यूस हो गया क्या ऑफ़ कोर्स इट एवरीबडी यू टेल मी कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए हॉलीवुड में मेरिन स्ट्रीप अभी भी कितने बढ़िया रोल कर रही है टैंडी अस्सी साल की उम्र में उसको ऑस्कर मिलता है ड्राइविंग मिस डेजी में कैन यू इमेजिन हमारे देश में अस्सी साल की किसी औरत को फिल्म से या नेशनल अवार्ड मिल सकता है मिल तो सकता है कुछ हो नहीं को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा असंभव सा लगता है ना जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती है काम तो कम होता है वो हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के आप हीरोइंस को ही देख लो हीरोज अभी भी सत्रह अठारह बीस पच्चीस साल की यंग हीरोइंस के साथ काम कर रहे हैं सुपर एक्ट्रेस लाइक माधुरी दीक्षित इज शी डूइंग झलक दिखला जा या कभी कभी उसको कुछ इश्किया जैसी फिल्म मिल जाती है इज शी डूइंग शी इज़ डांसिंग अ वे परफेक्ट डांसर है शी इज़ अमेजिंग डांसर बट आप कंपेयर करोगे यू सी ये अभी टार एक फिल्म आई है यू हॉलीवुड में उल्टा होता है कि एज एक एक्टर फोर्टी के बाद उसको रोल्स मिलने शुरू होते हैं फोर्टी के बाद निकोल किडमिन को या इनको रोल्स मिलने शुरू हुए लेकिन हमारा उल्टा होता है इनका लोग कहते है हैं कि एक्टर्स अपना बेस्ट देते हैं ऑफिसली आफ्टर 40s क्योंकि सोना जितना पकता है उतना ही और लाइफ एक्सपीरियंस। राइट व्हाट आर वी डूइंग वी आर ओनली एक्सप्रेसिंग आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस तो जितना हमारे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतने ही हम मंजेंगे कलाकार उतना ही मंचता है ना जितनी फिल्में करता है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो जो रेशियो है मतलब वेस्ट में भी है लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है कि मेल एक्टर्स को फिर भी आ, काम मिलता है लेकिन फीमेल को देखो अब आप फरीदा जी की ओ, सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस वीज डन बट दैट इज वट पीपल जस्ट अज्यूम ओ नहीं वो नहीं टैलेंट नहीं नहीं एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी नहीं नहीं वो नहीं तुम एंड नॉट ओनली फरीदा जी इज हैपनिंग टू एवरी वन एवरी वन ऑफ अस यू अंडरस्टैंड बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड फ्रैंकली से मतलब थिएटर इज इन अ वे कीप्स मी अलाइव आई एम डूइंग प्ले राइट नाव विथ मिस्टर गुप्ता राजेंद्र गुप्ता जीना इसी का नाम है वे आर एम प्लेइंग लीड रोल वी आर प्लेइंगी रोल टू लोनली पीपल सो एक्टर को अपनी बड़ा निकालने का तो मौका मिल रहा है ना है ना बट ही या तो आप दुखी हो के मतलब डिप्रेशन में चले जाओ या फिर जियो यार मतलब टेक लाइफ थ्रोज डी डी एल जे में के दौरान आपके हसबेंड गुजर गए थे वो टफ हुआ वो, आप भी कर रही थी क्या? बीच में ब्रेक था सिद्धार्थ मुझे कुछ ज्यादा उस समय का याद नहीं है मतलब उस वक्त जब मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे को मतलब आई वेंट ब्लैंक फॉर कुछ समय के लिए और मैं सिर्फ वो बिकॉज uh, uh, हम दोनों अकेले थे आपके बेटे और आप नहीं बेटा तो आई टोल्ड यू ना कि वो अब मैं सिर्फ काम कर रही थी जब काम करना था तो बेटा को मैंने हॉस्टल में रखा था मसूरी में अपने पेरेंट्स के साथ तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे एंड उनका ही हैड अ हार्ट अटैक सो आई वाज ऑल अलोन लोन और मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी नई नई बॉम्बे में आए हुए मुझे इतने साल भी नहीं हुए थे इट वज़ माई सेकेंड फिल्म तो मैं वही अरेंज कर रही तो मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मुझे डीडीएलजी uh, के क्लाइमेक्स शूट के लिए जाना है वो तो शुक्र है कि आई थिंक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आई I आई डोंट Pamela पैमिला आंटी ने किया था याश जी ने किया था या आई know हु कॉल मी आई डोंट don't एनी थिंग uh, तो uh, मुझे बोला कि येस yes, कंड uh, uh, एंड मतलब वी अंडरस्टैंड तब मुझे लगा कि हाँ यार कल husband, and, but, sorry, तो आई गोट टू गो फॉर दैट शूट वी कैन अंडरस्टैंड दैट योर हजबेंड एंड बट ऑब्वियस मेहमानी जी इट्स वेरी सॉरी वी गॉट एवरीबडीज़ डेट्स डेट बिकॉज द होल कास्ट इज़ देर शाहरुख खान अमरीश पुरी फरीदा जी काजोल तो वी विल मैनेज विदाउट यू तो मुझे तो कुछ पता नहीं फरीदा जी के says, हाँ देवर जी हेड कम और आई स्टिल रिमेंबर उनके ग्लासेज थे आई सेट और ग्लासेज मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा एंड आई फील्ड सो गिल्टी की मैंने उनके इतने एक्सपेंसिव ग्लासेस तोड़ दिए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा आई आई रिमेंबर दी स्मॉल स्टूपड डिटेल्स और आई नेवर रियलाइज मतलब आई वॉज ऑल्सो सपोज टू बी आई मीन द होल कास्ट इज दैर आई वॉज द ओनली वन जो कि नहीं प्रेजेंट थी उसमें Uh, मुझे उतना ही याद है आई एम नॉट देयर इन द लास्ट सीन मेरी भी लव स्टोरी विद अनुपम जी का कलमिनेशन होना था बट आई वॉजन देयर बट खैर वो सब करने के बाद और फिल्म रिलीज होगी इट बिकेम अ बिग हिट देन आई वाज डूइंग कुछ कुछ होता है वी मूव्ड ऑन मतलब तो शाहरुख मुझसे कहता था हिमालय hey, जी हैव यू सीन डी डी एल जे इन दिएटर्स तो हम अन्ना मैंने कहा नहीं शाहरुख आसोट एन द वो वो जो प्रिव्यू थिएटर नो यू मस्ट गो लुक इन द रिस्पॉन्स योर सीन गेट्स यू नो सीटियाँ बचती है आपको पता है तो, आपके डायलॉग्स पे और उस पर तो मैं बस उसके बाद इट बिकेम नॉर्मल बट आपके आपके बेटी की उम्र कितनी थी आई थिंक ही मस्ट भी इन टेन और एलेवन एंड आफ्टर दैट यू नो बिकॉज यू नो मैं उनका क्रिमेशन किया बॉम्बे में एंड आई टुक द एशेज बिकॉज सो ही केम टू हरिद्वार ही केम देर एंड आई थिंक ही मच्योर्ड वेरी अर्ली तो उसने बोला कि मैं मम्मी के पास जाके रहूँगा आई थॉट मम्मी इज़ अलोन तो माँ मेरे पेरेंट्स वैसे माई मदर फादर कौन कम तो मैं मेरी माँ आई और मेरा बेटा इन दिस स्टेट विथ मी दैट गेव मी अ रीजन टू लिवज एंड

अरे बहुत देखे थिएटर के टाइम में तो बहुत देखे है, तो मैं तुम्हें बोला कि स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी ढाई सौ की तो उसमें मैं सरवाइव क्योंकि मैं इतनी खुददार थी कि घर से एक पैसा नहीं मंगाती थी तो ढाई सौ में सरवाइव फिर छः सौ रुपये मिलते थे और आ, हम लोग रेपटली जब जॉइन किया तो घर से पापा ने एक बार बोला था बेटा पैसे की जरूरत मैं नहीं 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 पापा डोंट वरी मैं सर्वाइव करूँगी तो रेलवे uh, क्वार्टर्स होते थे उनको ना सर्वेंट्स क्वार्टर्स मिलते थे तो वो ऐसे हम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को दे देते दे थे दो सौ में हुँ. तो दो सौ उसमें जाते थे और बाकी हम थोड़ा बहुत स्क्रेप थ्रू करके हुँ. कभी खाते थे कभी भूखे सो तो जाते थे रात को और पहली तारीख को जब स्कॉलरशिप मिलती थी तब तो बंगाली मार्केट में जाके अच्छा खाते थे या चुपके से ना अब अब तो खैर कह सकती हूँ अभी तो छोड़ दी हम लोग ना कृषि दर्शन के प्रोग्राम करते थे जाके वो कहीं वो दूरदर्शन में आते थे ना खाद का कुछ बताना या ऐसा कुछ तो ऐसे कुछ वो, दो चार ऐसे नाटक में ज्ञान 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 मौजूद है रघु भी करता था रघुबीर यादव हम लोग ऐसे करके जाके ना कृषि की कुछ ऐसे कुछ किट करके आ गए तो ढाई सौ ढाई सौ उसमें मिल गए तो वी यूज टू बी रिच और बंगाली मार्केट में जाके खाना खा रहे नहीं तो रेफ्यूजी के ढाबों में खाते थे खाना <laughs> तो पैसों की तंगी तो देखी है और जब बम्बई आए थे तो सिद्धार्थ कुछ भी नहीं था ना अपना घर था हम किसी को जानते भी नहीं थे एक डायरेक्टर को जानते थे मतलब बियरली उसने तो टोटली तो 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 वो कर दिया तो आई स्टिल रिम्बर कि हम लोग uh, किसी जानने uh, पहचान वाले के थ्रू समबडी लोग देते भी नहीं थे ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को घर तो पहचान के कोई उत्तराखंड का ही कोई था तो उसका घर अब उसको कैसे वो जा भी नहीं सकते कि हम कहाँ स्ट्रगल करने जा रहे हैं क्या बताएं है? तो जो बीच में वो खा रहे हैं भेल पूरी खा के वो सब और रात को आते थे और मतलब ये खाना खा लिया हाँ खाना खा लिया और कहीं दिन भूखे सोए but, but, वो तो थिंक जो भी बम्बई आता है पहली बार जो, तो जो आपने करता अपने बेटे को छोड़ा देहरादून में ना और आप काम कर रही थी डिफिकल्ट था आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था लेकिन आ, मैंने एक रीजन में देहरादून छोड़ा तो ऐसा लगता है कि आ, मै पेरेंट्स बदए तो मुझे लगा कि मैं अपने मायके में छोड़ कर जा रही हूँ और ख़ासकर सिद्धार्थ आई रिम्बर अ टाइम कि वो आई थिंक ही वॉज वेरी सिक वन टाइम आई डोंट नो क्या हो गया था उसको सम आई दर ही हैड जॉन्डिस हो गया था या कुछ सम एंड आई वो शूटिंग इन ऊटी एंड माई पेरेंट्सेंट टेलमी दे था आई गेट वेरी अपसेड और फिर मेरे को पता चला तो आई वॉज वेरी अपसेड तो मेरे मम्मी से लड़ाई की मैंने कहा मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि बेटा तू आ तो पाते नहीं फिर खा मखा तुझे टेंशन होता तो ऐसे कई इंस्टेंसेज वैन आई रियली मिस डिम एंड मतलब आई रिम्बर उसका बर्थडे था एंड आई कॉल्ड और उस टाइम तो मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे सिद्धार्थ हम लोगों को खड़च पुच खड़च पुच जाके कहीं ऊँटी से कुड़च कुच मतलब लगता था कॉल आजकल तो कहीं भी जाओ आप यू कैन टॉक टू एनी बडी होने मोबाइल्स और स्कूल के भी अपने नियम होते हैं यू कान कॉल एट एनी टाइम सो देज़ टू बी ए पर्टिकुलर टाइम फिर आप शॉर्ट में हैं यू कान गो नाइट को यू कान कॉल देम सो यू नो ये सब कंस्ट्रेन uh, थी

उनके साथ मैंने काफ़ी काम भी किया है तो बड़ा मज़ा आया बड़ा मज़ा आता था हालांकि अनुपम का एटीट्यूड वो ही रहता था क्योंकि आई रिमेम्बर अनुपम हमसे बहुत सीनियर थे uh, मैंने एक नाटक किया था सूर्य के अंतिम किरण तो ही वो रेपट्री में देखने आए थे रेपट्री में तो तो उसके बाद ना वो uh, अनुपम टीचर भी है तो वो आके बोलती थे नो बट दैट जो तुमने वो एक्सप्रेशन दिया तो हमारे लिए तो भाई अनुपम नसीर और ओमपुरी तो बिल्कुल गॉड्स की तरह होते थे कि भाई दे मेड इट अनुपम स्पेशली क्योंकि अनुपम है बेग गॉड फॉर अस तो वो आके कुछ भी बोलता था ऐसे आई रिमेम्बर जो डी डी एल जे का वो सीन कर रही थी ना मैं बाहर हूँ फूल बरसाओ तो ये फूल गिरता है तो अनुपम उधर भी मेरा टीचर बन रहा है कहता है यार थोड़ा और कर किया थिएटर का नहीं थोड़ा सा और कर कुछ दिखना चाहिए तू कर क्या रही है तो मैंने बाद में मैंने कह दिया इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बट थैंकफुली दैट सीन वेंट ऑन टू बिकम अ बिग हिट बट ही डिड पे मी मीन कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो अच्छा करती थी तो बोलता था वेनी ई सो बी वी नंबर वन का ट्रायल ही मी आप किया यार तूने बहुत मस्त काम किया है स्पेशली वो जो तू आई टू सुषमिताज हाउस एंड यू नो इम्प्रोवाइज जो हमने किया था कि uh, वो वो जो सलमान से मैं कहती हूँ ना वो काफ़ी डेविड की फिल्म में काफ़ी इम्प्रोवाइज करना पड़ता था कि अरे ये तो मैंने बोला कि सर दर्द और इस एंड आई एम विंकिंग यू नो लाइक ललिता पंवार कॉल करके प्रेज भी करता था एंड यू नो हीज बीन अ गुड फ्रेंड एंड वेन एवर वी मीट और पहले तो हमारे एडवाइज़र होते थे अनुपम खेर साहब अच्छा। मतलब कि मैं और मेरे हस्बैंड ना हम जब आए थे ना स्ट्रगल करने तो हम जाते थे उनके साथ जैसे गुरु के पास जाते हैं ना भाई क्या करें भाई तुम मतलब ही वॉज कि जिसने ही इज मेड इट बिग तो कि क्या करें तो वो हमको एडवाइज़ करते थे कि लोगों के पास इतना जाओ इतना जाओ कि उन्हें परेशान कर दो कि वो तंग आके तुम्हें रोल दे दे कि ले ये कर ले मतलब लोगों को परेशान करो हालांकि वो ये गुर मैंने नहीं सीखा किसी ने बुलाया तो गई वैसे नहीं गई <laughs> जब अलोक नाथ जी को लोग संस्कारी एक्टर बोलते थे गुस्सा था, था आपको? नहीं, because actually, जी uh, is, uh, अभी तो बहुत टाइम से हमारी uh, बातचीत तो मुलाकात नहीं हुई एंड आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क विथ हिम फिल्म इंडस्ट्री में आके हम आपके कौन में वो थे हम साथ साथ में थे परदेश में भी थे और सीरियल्स भी हमने काफ़ी करे तो वन uh, uh, मतलब व्हेन ही नॉट ड्रिंकिंग देन ही संस्कारी वो uh, उनकी पर्सनालिटी जेकिल एंड हाइड की तरह थी मतलब हालांकि मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम एक छोटा सा एक इंसिडेंट एनएसडी का हुआ था वो तो खर्च छोड़ो लेकिन uh, मैंने सुना था कि वो ऐसा हो जाते हैं आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स इनफैक्ट सुना गया था एक बार आई रिम्बर हम लोग किसी अवार्ड शो के लिए गए थे तो काफ़ी उन्होंने प्रॉब्लम तो I, hey, उनकी पत्नी वहाँ थी तो उनकी पत्नी वॉज वेरी वायर तो वो बोल रही थी कंट्रोल करो तो नो आई सेट नेक्स्ट टू हेम आई सेट भाई मत करो उन्हें तो तुमको डीप्लेन कर देंगे क्योंकि एक बार वो डिप्लैन भी हो चुके हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ना दुबई और एमरथ्स वगैरह तो वैसे तो वो मतलब बहुत ही वो कुछ नहीं बोलते थे सेट पे आते थे मतलब मेरा तो बॉय और ड्राइवर मुझे कहते थे मैं मेरे को बड़ी खुजली ये स्क्रिप्ट ये जो डायलॉग है मैं बड़ी वो करती कि इसको ऐसे तो मेरे को वो मेरा एक बॉय था एक टाइम पे ही इज़ नो मोना आप आलोकनाथ जी से कुछ सीखे ना वो क्या कहते है? किसी को कुछ कहते है? जो स्क्रिप्ट मिलती है वो कर देते जो कपड़े उनको देते वो वो पहन लेते हैं आप क्यों बात करती है मुझसे कहते थे वो मतलब ही वॉज अ वेरी बॉस क्या ही इज़ मतलब प्रोफेशनल और उस वक्त कुछ नहीं बोलते थे हाँ आठ बजे के बाद उनकी घंटी बच जाती थी सो दैट्स इट आपने कभी री के बारे में सोचा आई नेव मतलब नेवर मतलब लोगों ने मुझे काफ़ी बात की आफ्टर माई हजबेंड एक्सपायर्ड बट यू नो सिदार्थ वो समय ऐसा था कि मैं बेटा मेरे पास आ गया और आई वॉज़ ट्राइंग टू मेक माई फुट होल्ड इन मुंबई आई वज स्टिल मतलब दो फिल्म पुरानी थी हम आपके कौन और डी डी एल जे फिल्में मिल रही थी काम तो करना था क्योंकि मुझे अपने को अपना और अपने बेटे को भी पालना था घर चलाना था तो और काम प्रभु की दया से एंड एल्डर्स आशीर्वाद काम मिलता गया एंड सो आई वाज वेरी बिजी हालांकि मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी अभी तो ठीक है लेकिन बाद में मैन यू ग्रो ओल्ड देन यू विल रियलाइज़ तुम कर लो शादी तो 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 नहीं 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 आई डोंट वॉन्ट टू आई डेंट वॉन्ट टू गेट इन टू अनादर रिलेशनशिप आई डोंट हैव टाइम और मिला भी नहीं क्योंकि सिद्धार्थ आई हैव बीन अ वर्काहलिक और उस टाइम नाइन्ट्रीज में आई डूइंग दो, दो तीन तीन शिफ्ट मतलब मैं बताती हूँ कि एक बार यू you नो know, एक टाइम पे मैं सात से दो एक ऐड कर रही थी और दो से सात बजे तक मैं करती थी हसरतें की शूटिंग और शाम को आठ बजे से सुबह पाँच बजे तक आई वॉज शूटिंग फॉर प्रेम ग्रंथ का कमालस्तान सो फॉर अबाउट टेन फिफ्टीन डेज आई डेंट स्लीप एट ऑल एंड इन द मॉर्निंग मेरा बेटा ही वाज स्टाडिंग इन यशोधाम स्कूल गोरेगांव में हम लोग रहते थे तो सुबह उठ के उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो मुझे उसको उठ के मैथ्स के ट्यूशन कराने पड़ते थे सो एंड आईज टू कम मैं शूटिंग से आती थी तो उसको मैथ्स पढ़ाती थी पर मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि फिर नहीं और यंग तो आप में बहुत एनर्जी और स्ट्रेंथ होती है तो मैं वही कहती I, मैं इतनी बिजी थी कि कभी मेरे को ये मैंने सोचा नहीं और मैं सोच भी नहीं पाई हालाँकि अब लगता है कि क्योंकि यार आगे जाके वेन यू ग्रो ओल्ड यू मच्योर और फिर आपको लगता है कि यार यू मिस कंपेनियनशिप जब मैं देखती हूँ फैमिलीज़ को वेन दे गो आउट ऑन अलीडे टुगेदर एंड आई थिंक माई सन माइल्सो मस्ट बी मिसिंग सो जस्ट मेरा मेरे मॉम को भी ले जाती थी पापा को कि यूज गो एज़ अ फैमिली क्योंकि फैमिली इज इम्पोर्टेंट तो बट नाओ या आई सपोज आई मिस समबडी तो बट मे बी इट्स नॉट इन माई मतलब आई एम स्ट्रॉग बिलीवर इन डेस्टनी भाग्य नहीं किस्मत में होगा तो भैया मिल जाएगा बट आई नेवर हैट द टाइम आई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी हाँ हिमानी जी आई बिलीव की ओनली ब्यूटिफुल थिंग्स टू ब्यूटिफुल पीपल and not only are you a fascinating actor but you're a fascinating human being thank you thank you And i believe ki 40 years in the entertainment business aapke andar abhi bhi ya twinkle in the eyes hai jab aap baat karte ho jab aap apne memories ke bare mein baat karte ho lagta hai ki ek newcomer apni kahaniyan suna raha hai jo abhi bhi hua hai i really wish you well thank you and i'm so glad ki aap yahan aaye it's a pleasure and most importantly I'm a fanboy for life. Oh, that, thank you. Sir. I'm your fan. I love your podcast. You know that's why I thank came. Thank you for coming and blessing me. Thank yeah. you. God hey, bless you. Ji, president of a fan club. May. <laughs> Bye.